तुला राशि वालों, शुक्रवार का दिन 1 सितंबर बुलंद इरादा से जो भी काम करेंगे उसमें बड़ी उपलब्धि और तरक्की आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप बृहस्पति और शनि से प्रभावित हैं। आज का दिन बृहस्पति और शनि के प्रभाव से आपका जीवन सुखी भी होगा, जीवन में आनंद भी होगा, शांति समृद्धि संबंध भी मधुर होंगे, लाभ होने की संभावना है, भाग्य का साथ भी मिलेगा और जीवन में तरक्की और लाभ आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि आपकी कुंडली के लग्न में केतु का गोचर है, पंचम भाव में शनि बैठा है, आज चंद्रमा भी आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहा है, चंद्रमा का उदय भी पंचम भाव में हुआ है, सप्तम भाव में राहु बृहस्पति का गोचर है, आपकी कुंडली का कर्म स्थान शुक्र से प्रभावित है, लाभ स्थान में सूर्य बुध की युक्ति है और द्वादश भाव में मंगल का गोचर है। तुला राशि वालों, जब ऐसा योग बनता है तो आपको बहुत लाभ होता है, स्टूडेंट के जीवन में बड़ी सफलता मिल जाती है, गृहस्थ जीवन में सुख बढ़ जाता है, नौकरी व्यापार अच्छा चलता है, कार्य की गति तेज हो जाती है, आपके प्रयास सफल हो जाते हैं, आप भाग्यशाली बन जाते हैं, साहस ऊर्जा आपकी जीवन में विश्वास को बढ़ाता है, बड़ी सफलता लाभ और सुख की आप प्राप्ति करते हैं। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 2:56 तक बृहस्पति स्वामी है, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि स्वामी होगा, शुक्रवार 1 सितंबर। आपकी कुंडली में बृहस्पति शनि प्रबलता से आपको प्रभावित करेगा, वैवाहिक आनंद देगा, शक्ति को बढ़ाएगा, समृद्धि का प्रतीक है, आपकी जीवन में खुशियां बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा, क्योंकि आज चंद्रमा और मंगल की दृष्टि है, परिवार में सुख है और सौभाग्य आने वाला है। आज का दिन भाग्यशाली दिन है, सौभाग्यशाली योग है, धृति योग 1:10 तक, उसके बाद शूल योग आरंभ होगा। आज का जो दिन है भाग्य को बदलने वाला, जीवन में भाग्य के अनुरूप सफलता देने वाला, आपकी जीवन में सुख देने वाला भाग्यशाली समय जीवन में परिवर्तन और लाभ का अवसर लेकर आएगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति बड़ा मजबूत होता है, बृहस्पति जो आपके अच्छी समझ को बढ़ाता है, आपकी मन की भावना अच्छी होती है और जीवन में अच्छे अनुभव आप प्राप्त करते हैं, सफलता भी मिलती है, सुख भी मिलता है, आगे बढ़ने का साहस भी होता है, कदम भी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, पुरुष के अंदर काम करने की इच्छा बढ़ती है, अपने कार्य के प्रति आप बड़ा ईमानदार हो जाते हैं, बहुत मेहनत उत्साह लग्न से ईमानदारी के साथ अपने काम को करते हैं और इसी काम का अच्छा परिणाम भी मिलता है, जो आपके जीवन में आपको तेज गति से आगे बढ़ाता है, सफल होने की संभावना होती है, स्थिति बदलती है, जीवन में लाभ धन मिलता है और मेहनत का फल भी आप प्राप्त करते हैं, सौभाग्य आपको प्राप्त होता है, यानी भाग्य के साथ कर्म के साथ जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति आपकी जीवन में बहुत तरक्की लेकर आता है। हर तरह से आज का दिन आपके लिए व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन दोनों ही अच्छी होती है, यानी एक ओर आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होता है, दूसरी तरफ पे आप जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का फल भी अच्छा प्राप्त करते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं,
ऊर्जा शक्ति से लाभ होता है, सुखी संपन्न भाग्यशाली जीवन होता है, बेहतर परिणाम से अनुकूल स्थिति बनती है और जीवन की परिस्थिति आपकी बदलती है। बृहस्पति और शनि का प्रभाव है, चंद्रमा और मंगल की दृष्टि है। सितंबर का महीना एक तारीख के यानी महीने की शुरुआत थे। जब बृहस्पति और शनि से हो तो महीना आपका अच्छा निकल जाता है। धीरे धीरे जीवन में बड़ी उपलब्धि आप प्राप्त करते हैं, बहुत सारी दुख तकलीफ आपकी दूर होती है, वैभवशाली आपका जीवन होता है, समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है और आपकी लोकप्रियता समाज में बहुत बढ़ जाती है। बृहस्पति से धन वैभव सुख की प्राप्ति होती है, वहीं शनि से संकट और भय से मुक्ति प्राप्त होता है। सब कुछ बृहस्पति शनि से आपको प्राप्त होता है। ये समय आपके लिए लाभकारी है क्योंकि लक्ष्मी का आगमन शुभ परिवर्तन के साथ ही होता है, जो आपके जीवन को सुंदर, सफल और आपको तरक्की देने वाला साबित होता है। परिस्थिति आपकी क्षमता को बढ़ाता है और जीवन में उत्साह के साथ बड़ी कामयाबी आप हासिल कर लेते हैं। आज बृहस्पति राहु के साथ गोचर कर रहा है, जबकि शनि के ऊपर बुध की दृष्टि है। राहु की दशा अच्छी हो तो राहु राजा बना देता है, सफलता कामयाबी की एक नई पहचान प्राप्त होता है, एक नई शुरुआत होती है। भाग्य का सिंहासन राहु सजाता है और बृहस्पति शनि आपको सिंहासन पर बैठाता है। भाग्यशाली हैं, समृद्धि सत्ता का सुख है, भाग्य के सितारे आपके बुलंद होते हैं, इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जीवन में लाभ धन की प्राप्ति होती है, लाभकारी यात्रा करते हैं, समृद्धि जो सफलता और संपदा को बढ़ाता है, आपके लिए बेहतर अवसर लेकर आता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, परिवार का साथ मिलता है, अति उत्साही होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और जीवन में अपने प्रयास से बड़ी सफलता आप हासिल कर लेते हैं। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी बुध है, द्वितीय चरण का स्वामी चंद्रमा, तृतीय चरण का स्वामी सूर्य है और चतुर्थ चरण का स्वामी शुक्र है। यानी चारों चरण आपके लिए शुभ है। शुक्रवार के दिन होने से वैभवशाली जीवन होगा और चार चरण आपके लिए बड़े ही लाभकारी होंगे। इन चार चरण में विश्वास बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की का योग बनेगा, आप सक्षम बनेंगे, पूर्ण मेहनत से बड़ी सफलता अर्जित करेंगे, जीवन का आनंद भी लेंगे, जीवन में आगे भी बढ़ेंगे, निराशा भी आपकी दूर होगी, बाधा को दूर करने की इच्छा शक्ति होगा। ये समय आपकी संभावनाओं को बढ़ाएगा, ये समय तरक्की और लाभ लेकर आएगा, जो आपके लिए शुभ रहेगा, सौभाग्य और आनंद को बढ़ाएगा। बृहस्पति शनि के प्रभाव से चंद्रमा मंगल की दृष्टि से बुध चंद्रमा सूर्य शुक्र के प्रभाव से यानी चार चरण से आपके जीवन में लाभ का योग है, उत्साह का योग है, धन और सुख का योग बन रहा है, तो बेहतर समय है। समय का लाभ उठाएं तो निश्चित ही आपके जीवन में बहुत तरक्की होगी, बहुत उन्नति होगी। आज राहु काल 10:45 से 12:21, राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। आज पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर येलो होगा, लकी नंबर 8 होगा, क्योंकि बृहस्पति बड़ा मजबूत है और शनि का भी प्रभाव है। शुभ मुहूर्त आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से आरंभ हो जाएगा। वहीं अमृत काल 7:52 से 9:17 का समय बड़े लाभकारी होंगे, जब बृहस्पति प्रबल होगा। और अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:46 चंद्रमा मंगल की दृष्टि से आपके कार्य भी सफल होंगे
और विजयी मुहूर्त 2:28 के बाद जीवन में सुख भी बढ़ेगा, लाभ भी प्राप्त होगा, तरक्की भी होगी, उपलब्धि भी आप हासिल करेंगे, तो बेहतर समय है, लाभकारी योग है, आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।